हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र मुजीदार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में गुजराती चेस जोन। दोस्तों, यूनिवर्सल ओपनिंग D4 अगेंस्ट बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, जिसमें इंग्लैंड गैम्बिट भी आता है। उसके बारे में कई लोगों को पता नहीं होता है और ब्लैक से जब सामने वाला अटैक करता है तो व्हाइट उसके ट्रैप में फंस जाता है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे D4 अगेंस्ट E5। यहाँ पे एक गैम्बिट लाइन, बहुत सारे प्लेयर्स ब्लैक से कुछ नया करने के लिए ट्राई करते हैं और व्हाइट को इस ओपनिंग का पता नहीं होता है, उसका फायदा ब्लैक ले लेता है। अब इसमें प्रॉपर आपको कैसे खेलना है ये मैं आपको बताऊंगा। D4 E5, यहाँ पे सबसे पहले ये एक गैम्बिट लाइन है ब्लैक की ओर से, जिसका रिप्लाई हमें परफेक्ट देना है। और यहाँ पे D into E5, दिस इज अ बेस्ट चॉइस। तो आपको मैं बेस्ट चॉइस हर बार बताऊंगा D E5। उसके बाद सबसे पहले हम साइड लाइन देखेंगे। साइड लाइन ये है कि ब्लैक नेक्स्ट मूव में D6 करता है। D6 के बदले मेन लाइन क्या है, मेन लाइन है Nc6। तो यहां पे हम दोनों लाइन देख लेंगे। D6 में आपको क्या रिप्लाई देना है, यहाँ पे आपको को सिंपल नाइट F3 सपोर्ट। पहला पोन आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कोई भी गैम्बिट लाइन में ध्यान रखो, खास करके अगर अपोनेंट दूसरा पोन आपको ऑफर करता है तो कभी भी दूसरा पोन आपको नहीं लेना है किसी भी गैम्बिट लाइन में, ये एक मन में आप याद रख लो। Nf3 के बाद यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट Bg4। Bg4 आइडिया बिहाइंड दिस मूव, बिशप टेक्स नाइट देन डी टेक्स, वो अपना पॉन रिकवर कर सकता है। तो Bg4 में आपको रिप्लाई देना है सिंपल बिशप F4। यहाँ पे दो ऑप्शन है, नाइट C6 अगेन अटैक ऑन दिस पॉन, और बिना नाइट C6 के किए बिशप टेक्स F3 और उसके बाद पॉन टेक्स पॉन। दोनों ऑप्शन में हमें क्या रिप्लाई देना है ध्यान रखिए। अगर ब्लैक यहाँ पे नाइट C6 करता है तो ये आपको पॉन वापस देना है एक मूव के लिए। नाइट C3 डेवलप कर लीजिए आप, आफ्टर बिशप टेक्स F3 E takes F3 देन पॉन टेक्स पॉन, यहाँ पे क्वीन E2। अब ये पॉन के ऊपर आपके दो अटैक आ गए, तो यहां पे नेचुरल मूव क्या होगी, बिशप D6 डेवलप के साथ पॉन को सपोर्ट, और आफ्टर लॉन्ग कैसल सिंपली आप देख सकते हो ये पोजीशन में दोनों हाफ ओपन फाइल जो है वो क्वीन व्हाइट के पास में है और सेंट्रलाइज भी पीसेस है, कैसल भी हो चुका है, और ऐसी गेम व्हाइट के लिए काफी इजीएस्ट विनिंग होती है। तो ये पोजीशन में ये होगा। अब दूसरा ऑप्शन है बिशप टेक्स F3 डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ Nc6, ब्लैक कैन टेक योर नाइट। बिशप F3 में आपको सेम रिप्लाई देना है E takes F3 आफ्टर पॉन टेक्स D5। तो यहां सिंपल आप क्वीन एक्सचेंज कर सकते हो और बाद में बिशप टेक्स E5 और विनिंग। तो यहां पे ब्लैक कई बार ट्राई करता है गैम्बिट G5। G5 में आपको रिप्लाई देना है बिशप G3 और बिशप G7। अब ब्लैक चाहता है कि आपका ये पॉन पिन हो जाए, आप पॉन लोगे तो यहाँ पे ब्लैक की थ्रेट है, बिशप टेक्स B2 एंड सिंपली रुक अप होता है। अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके बेस्ट मूव ढूंढिए, मैं बताऊंगा यहाँ पे E takes D6 सरप्राइज मूव। E takes D6 में ब्लैक विल टेक योर B2 पॉन। अब यहां पे ग्राफ व्हाइट की ओर है टोटली, यहां पे क्या देना है आपको रिप्लाई, सिंपल फर्स्ट मूव क्वीन E2 चेक। अब दो ऑप्शन है ब्लैक के पास, किंग F8 और किंग D7। अगर ब्लैक किंग F8 करता है सिंपल तो यहां D takes C7 डबल अटैक क्वीन पे और बिशप के सपोर्ट से आफ्टर क्वीन C8 बिशप D6 चेक, किंग के पास फोर्स मूव है और फाइनल मूव व्हाइट की जो विनिंग मूव है यहाँ पे Qb5 विद द अटैक ऑन चेक और Qxb2। और यहाँ से सिंपल
और वाइट पीस अप हो जाएगा। दूसरी लाइन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ओके डी फोर ई फाइव डी टेक्स ई फाइव नाइट सी सिक्स नाइट एफ थ्री एंड जी ई सेवन। देखिए ये लाइन है आइडिया बिहाइंड दिस मूव, नाइट टू जी सिक्स और ये आपका जो पॉन है उस पर दो अटैक करके सिंपल पॉन वापस लेना और डेवलप करने का प्लानिंग है। यहां पे मैं आपको बेस्ट मूव बताऊंगा नाइट सी थ्री, इग्नोर करो उस पॉन को, आफ्टर नाइट जी सिक्स सबसे ब्रिलियंट मूव यहां पे बिशप टू जी फाइव, आफ्टर बिशप जी फाइव ब्लैक नेचुरल मूव है बिशप ई सेवन और यहां पे आप सिंप्लीफाई करके बिशप टेक्स ई सेवन आफ्टर क्वीन टेक्स ई सेवन नाइट डी फाइव वन मोर शॉकिंग। अब देखिए क्वीन अगर ई सिक्स आते हैं तो नाइट एफ सेवन सिंपल विनिंग मूव है फॉर्क, तो यहां पे बेस्ट रिप्लाई होगा क्वीन टू डी एट, क्वीन डी एट में एक वेटिंग मूव करना है क्वीन डी टू, आफ्टर नाइट टेक्स ई फाइव सिंपल टेक अपोनेंट्स नाइट, आफ्टर नाइट टेक्स ई फाइव देन क्वीन सी थ्री विच अगेन सेकंड सरप्राइज। सो यहां पे आप डबल थ्रेट दे रहे हो नाइट सी सेवन और क्वीन टेक्स ई फाइव, नेचुरल मूव ब्लैक के पास यही होगी नाइट सी सिक्स देन क्वीन टेक्स जी टू विनिंग अ गेम। तो ये पोजिशन में सिंपल व्हाइट विन है क्योंकि एक पॉन अप है और यहाँ पे अटैक में भी दो दो पीस क्वीन और नाइट सेंटर में। तो क्वीन जी सेवन अगर यहां पे नाइट ई फाइव के बदले मानो कि क्वीन डी टू के बाद ब्लैक रिप्लाई देता है कैसलिंग, तो कैसलिंग के बाद बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा क्वीन जी फाइव। अब आप देख सकते हो कि आफ्टर क्वीन टेक्स जी फाइव नाइट टेक्स जी फाइव देन नाइट टेक्स ई फाइव एंड यू कैन विन अगेन अ पॉन, ये भी सिंपल विनिंग गेम व्हाइट के हाथ में हो जाएगी। ये सारे मूव्स आपको नोट डाउन करके तैयार करने पड़ेंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ओपनिंग है। थर्ड मूव में हम और भी देखेंगे डी सिक्स, जैसे कि डी फाइव ब्लैक प्ले नाइट सी सिक्स देन नाइट एफ थ्री और अगेन डी सिक्स, यहां पे डी सिक्स तो यहां पे सिंपल आपको वही मूव है बिशप टू जी फाइव, इफ बिशप टेक्स बिशप ई सेवन देन सिंपली यू कैन टेक द बिशप आफ्टर नाइट टेक्स ई सेवन ई टेक्स डी सिक्स और यहां पे एक पॉन अप के साथ ब्लैक पोजिशनली प्लस है और ये अगर क्वीन टेक्स होता है तो सिंपल क्वीन एक्सचेंज करने के बाद आइसोलेटेड पॉन विथ पॉन अप, ये भी सिंपल विनिंग है दोस्तों। यहां पे एक चेंजिंग भी देखते हैं, बिशप ई सेवन के बदले और क्या खेल सकता है एफ सिक्स, एफ सिक्स में आपको सिंपल ई एफ सिक्स नाइट एफ सिक्स देन बिशप टेक्स एफ सिक्स और ये भी आपके लिए सिंपल गेम हो जाएगी। तो एफ सिक्स भी पॉसिबल नहीं है, लास्ट जो चांस है क्वीन डी सेवन, तो क्वीन डी सेवन में आपको सिंपल ई डी सिक्स करना है आफ्टर बिशप टेक्स डी सिक्स नाइट सी थ्री डेवलप करो नाइट ई सेवन और यहां पे ई फोर आफ्टर ब्लैक कैसल बिशप डी थ्री आफ्टर नाइट जी सिक्स एंड यू कैन डू कैसल। अब ये पोजीशन में भी मुझे नहीं लगता कि व्हाइट को कोई भी प्रॉब्लम होगा कोई भी परेशानी होगी क्योंकि सिंपल पॉन अप है व्हाइट और ये पोजीशन में भी सिंप्लीफाई होने के चांसेस ज्यादा है। अब दोस्तों मैं आपको मेन लाइन बताऊंगा इंग्लैंड गैम्बिट के बारे में, इंग्लैंड गैम्बिट बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। डी ई फाइव के बाद ब्लैक विल प्ले नाइट सी सिक्स सिंपली मूव आफ्टर नाइट एफ थ्री, यहां पे इंग्लैंड गैम्बिट में क्वीन ई सेवन होता है। अब यहां पे आप बिशप एफ फोर वगैरह नहीं खेलिए, पॉन वापस दीजिए और इसके अगेंस्ट इंग्लैंड गैम्बिट के अगेंस्ट आपको बेस्ट रिप्लाई देना है नाइट सी थ्री, नाइट सी थ्री के बाद इफ नाइट टेक्स ई फाइव यहां पे आपको सिंपल ई फोर करना है डेवलप योर बिशप
तो e4 के बाद ब्लैक विल प्ले नाइट f6, आपके पॉन पे प्रेशर बनाएगा, डेवलप भी करेगा। यहाँ पे आपको बिशप टू f4 विथ अटैक ऑन नाइट, तो नाइट और बिशप का अटैक आया है, तो d6 इज ए नेचुरल मूव यहाँ पे सपोर्ट। तो d6 के बाद क्वीन टू d4, अब आप यहाँ पे तीन अटैक कर रहे हो एक ही पीस पे। अगर नाइट टेक्स f3 करता है तो g takes f3, और ये पोजीशन व्हाइट की फेवर में है टोटली दोस्तों, और व्हाइट की फेवर में यहाँ पे इक्वल पॉन है, लेकिन अटैकिंग पीसेस बहुत ज्यादा डेवलप में है। तो आफ्टर g takes f3 ब्लैक बिशप d7 और लॉन्ग कैसल, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक के लिए एक परेशानी हो गई है, ब्लैक लॉन्ग कैसल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लॉन्ग कैसल, देन सिंपल क्वीन टेक्स a7 एंड विनिंग द गेम। और मेट की थ्रेट भी है, बहुत सारे थ्रेट्स आपके पास कंटिन्यूस आ रही है, तो लॉन्ग कैसल पॉसिबल नहीं है। तो ब्लैक यहाँ ट्राई करेगा g6 और यहाँ पे बिशप g7 टू शॉर्ट कैसल प्लानिंग। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है नाइट b5 विद द अटैक ऑन c7 और फॉर्क। अब बिशप कंपल्सरी बिशप टेक्स b5 देन बिशप टेक्स b5 आफ्टर c6, यहाँ पे शॉकिंग मूव, वीडियो पॉज करके आप देखिए कि व्हाइट टू प्लान विनिंग मूव। तो c6 में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा e5, इफ ब्लैक टेक्स योर बिशप देन सिंपली यू कैन कैप्चर द पॉन नॉट नाइट। आफ्टर पॉन क्वीन पे अटैक आता है और क्वीन d8 फोर्स मूव है, क्योंकि क्वीन f6 की भी थ्रेट है, तो क्वीन d8 के रिप्लाई में रुक h1 विद द चेक। अब रुक h1 आफ्टर किंग d7 और यहाँ पे रुक e7, ये एक ब्रिलियंट मूव है और विनिंग मूव है दोस्तों। यहाँ पे और भी है, अगर वो आपका बिशप टेक्स नहीं करता है तो एक और ऑप्शन है ब्लैक के पास d cross e5। d e5 में आप सिंपल बिशप e5 करोगे, बिशप पे नाइट पे दो अटैक आएगा, ब्लैक चेक देगा तो किंग b1 आफ्टर बिशप g7। बिशप g7 के बाद आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है बिशप d6, क्वीन यहाँ पे अगर आता है तो रुक e1 और यू विन द क्वीन। तो क्वीन को ये लाइन छोड़नी पड़ेगी, इसके लिए क्वीन d7 हम देखते हैं, तो क्वीन d7 में भी रुक e1 आफ्टर किंग गोज टू एंड देन रुक e7। तो दोस्तों ये टोटली विनिंग गेम है व्हाइट के लिए। तो इंग्लैंड गैम्बिट या ऐसी कोई यूनिवर्सल गैम्बिट कोई खेलता है तो उसके रिप्लाई में आप इस तरह आसानी से गेम जीत सकते हो, लेकिन सारे मूव आपको कैलकुलेट करके तैयार करने पड़ेंगे बोर्ड के ऊपर। और ये ट्रैप आप ओपनिंग ज़्यादा से ज़्यादा गेम में ट्राई कीजिए, बहुत मजा आएगा अटैकिंग खेलने में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सिगोरिन की एक बेस्ट ट्रैप। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।